Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। आपकी बात हमारे साथ कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर धनंजय के मंगल साहब से, जो कि बेबीलोन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहे हैं। डॉक्टर धनंजय जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि दोस्तों आप और हम सभी जानते हैं कि इस समय COVID-19 यानी कि कोरोना से पूरा देश और दुनिया जो है वो भयभीत भी है, पीड़ित भी है, और इससे बचने के हम सभी उपाय कर रहे हैं। सबसे मेन जो बड़ा उपाय है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। तो लगातार हम कुछ दिनों से सोशल डिस्टेंसिंग में भी हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान स्थिति में समाज के लोगों को, देश के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि इस महामारी से हम कैसे बच सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। जी, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोविड वायरस क्या है। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो तीन चार क्वेश्चन के आंसर में हम ये बातचीत खत्म करेंगे। जी, सबसे पहला है कि कोविड वायरस क्या है। ये एक वायरस है जो अभी दिसंबर में चाइना में किसी मिक्सिंग होके, जेनेटिक मिक्सिंग होके डेवलप हो गया। अब ये वायरस इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके जेनेटिक म्यूटेशंस हो रहे हैं, इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इस वायरस को हम कैसे सोसाइटी में रोक सकते हैं? तो उसका सबसे बड़ा तरीका है, क्योंकि इसका जो इन्फेक्टिविटी है ना, वो इन्फेक्टिविटी और वायरस के हिसाब से, जैसे सिंपल इन्फ्लुएंजा वायरस होता है या वायरस कॉमन कोल्ड वायरस होते हैं, इनके हिसाब से बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिविटी है। तो हमारा मानना यह है कि इसमें इन्फेक्टिविटी रोकने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे पुराने जमाने में हमारे जो एथिक्स हैं, हमारे जो जो कल्चर थे, वो कल्चर वैल्यू, जैसे पहले हाथ जोड़ते थे, सेम चीज अभी करते हैं। पहले घर में घुसने से पहले हम जूते उतारते थे और हाथ पैर धो के अंदर घर में जाते थे। ठीक है, तो इस तरह के ये जो बेसिक चीजें हैं वो हमें ध्यान रखनी है ना। और सोशल डिस्टेंसिंग में हम हमारी परंपराओं से दूर चले गए हैं, हम हमारी जो सनातन संस्कृति है उससे कहीं ना कहीं दूर चले गए हैं, इसके कारण ये वायरस ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। डेफिनेटली। तो पहले जैसे छींकते थे तो घर से बाहर नहीं निकलना, उसका मतलब ये था कि भाई छींकना है तो घर से बाहर नहीं जाना है, इन्फेक्शन का चांसेस है। या हम बाहर जैसे हमारे धूप का माहौल था, गमछा मुंह पे लगाते थे या कुछ लगाते थे, सेम चीजें अभी बतानी पड़ रही है। ये सबका वही है कि सारी चीजें वो पुराने टाइम में है, उन्हीं को हमें फॉलो करना है। इसका पर्पज ये है, कोई भी इन्फेक्शन हमें ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि ये चीजें सारी होती हैं एयर ड्रॉपलेट से, या जैसे बाहर जो छींकते हैं उनके जो ड्रॉपलेट होती है उनके अंदर वायरस होते हैं। तो वो वायरस 3-4 फुट 8 फुट के बीच के दायरे में, और वो जहां जहां आर्टिकल्स होते हैं उन पर डिपोजिट हो जाते हैं। तो हमें वहां पे हाथ लगा के बार बार उसको मुंह से, नाक से नहीं लगाना है, बार बार मुंह में हाथ नहीं देना है, ये सब चीजें हमें कोशिश करनी है, ध्यान रखनी है। तो पहला चीज तो है सोशल डिस्टेंसिंग। जी धनंजय जी, मेरा सवाल यहाँ पर यह है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझना चाहते हैं कि ये इन्फेक्शन से होता है, ये सभी को मालूम है, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन से हो गया तो इसके बाद इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फर्स्ट सिम्टम क्या होता है, सेकंड सिम्टम क्या होता है, और उसके बाद किस तरह से हम कहते हैं कि 14 दिन में ये बहुत आगे बढ़ सकता है, तो ये कैसे हम देखें कि किस तरह से हो पाता है? देखिए, ये आपने अभी बताया कि जो इन्फेक्शन होता है वो जैसे हाथ से या किसी ड्रॉपलेट मुंह में जाती है या किसी म्यूकोजा में जाती है, तो उससे होगा। तो उसमें क्या होता है कि जब मुंह से सांस लेते हैं तो जो गले के अंदर जाके ये वायरस या ड्रॉपलेट बैठ जाते हैं। अब वो वायरस होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फेक्शन हो गया तो हमें सब कुछ खांसी जुकाम बुखार सब कुछ होगा ही होगा। तो उसमें इनको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक, जिनको सिम्टम नहीं है। तो 80% तो ऐसे लोग होते हैं जो इन्फेक्शन लेके घूम रहे होते हैं लेकिन उनको सिम्टम नहीं होते हैं।
जी ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा होता है सिम्टम कौन से हैं। तो जनरली क्या होता है, जैसे बाकी खांसी जुकाम बुखार ऐसा होता है, ऐसे इनमें इसमें जो कोविड में क्या स्पेशल है, कोविड में ये है कि एक तो फीवर बहुत तेज आता है, जी गले में दर्द होता है और खांसी होती है, वो सूखी खांसी होती है, नाक बहती है, कान में दर्द, आंख में दर्द, ऐसे जो दर्द जी होते हैं जो, तो सिंपल कोल्ड से हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इसकी सीवियरिटी कितनी बढ़ रही है। जी तो ये यहाँ कॉमन पर सिम्टम, जी एक डॉक्टर साहब, यहाँ कॉमन पर एक चीज, जी यहाँ एक पर दो एक सिम्टम सवाल बता। और, जी हाँ जी हाँ, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि बुजुर्ग और बच्चे इनको विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं जो युवा हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं, और इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसको हम कैसे डेवलप करें, क्योंकि एकदम से तो डेवलप होगा नहीं वो, अब क्योंकि ये संक्रमण आ गया है, तो अब अभी वर्तमान परिस्थिति में आप और हम यानी कि सभी लोग इसे किस तरह से हम हमारी इम्यूनिटी जो है उस सिस्टम को हम डेवलप करें। इम्यूनिटी तो क्या है, जैसे बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग लोग दोनों, दो एक्सट्रीम एज होती है, दोनों एक्सट्रीम एज में इनिशियली यहाँ तो इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है, वहां पर इम्यूनिटी वैन ऑफ हो रही होती है, जी बीच में जो एडल्ट वाला जो आपने पोर्शन बताया उसमें इम्यूनिटी हाईएस्ट रहती है, क्योंकि उसमें करने की क्षमता और खाना और बॉडी की जो रिएक्शन है बहुत अच्छी होती है। तो हमें इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बच्चों को जैसे रूटीन में कुछ खाने का न्यूट्रिशन देना है, उनको हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप करना है, एडल्ट के लिए उसके बुजुर्ग लोगों के लिए हमें खाने पीने का और रेगुलर रेगुलर पीते रहना है, रेगुलर जो हमारे जो पहले जिस तरह का सनातन धर्म है या किसी तरह के हमारे भारतीय सभ्यता है उसके अंदर लगातार पानी पीना है, कोई भी वायरल होता है, मतलब ये कोई ऐसा कोई नहीं है कि भाई इस पर्टिकुलर वायरस के लिए है, लेकिन काफी सारा पानी पियेंगे तो वो पानी से टॉक्सिन जो बॉडी में बनते हैं वो टॉक्सिन रिलीज होते हैं, तो बॉडी में इफेक्ट नहीं करते कोई चीज, और इसके लिए हमें सुबह शाम अच्छा खाना खाना है, कोई उपवास बहुत ज्यादा नहीं करना है इस वक्त, डाइट का न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, कॉमन ये सारे अननेसेसरी हमें दवाइयां नहीं लेनी है, स्ट्रेस फ्री रहना है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें इम्यूनिटी बूस्ट के लिए हेल्प जी करती है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर कई हमारे जो दर्शक हैं सिटी लाइव का, लाइव के, उनका ये भी कहना है कि अभी वर्तमान में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको किन किन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको आज नहीं तो कल जब उनका टाइम ड्यूरेशन पूरा होगा तो उनको हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, वो हॉस्पिटल जाएंगे तो उनके परिवार के लोग भी हॉस्पिटल जाएंगे, तो उनको विशेष रूप से किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे इम्यूनिटी कंपैरेटिवली कम होती है, जी तो लड़ने की क्षमता कंपैरेटिवली कम होती है, तो वायरस के जो इम्पैक्ट है वो प्रेग्नेंट लेडी में ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, प्लस उनकी फिजियोलॉजी पूरी चेंज हो रखी होती है, माँ के साथ साथ बच्चे को भी या गर्भ वाले बच्चे को भी नुकसान होने का अंदेशा रहता है। उस टाइम कॉमन चीजें वही है कि हमें मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारा चीजें मेंटल स्ट्रेस कम लेना है, उससे इम्यूनिटी बेस्ट होगी। दूसरा, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल जी क्लॉक का मतलब है जो हमारा रूटीन का जो शेड्यूल है उसको हमें चेंज नहीं करना है, तो जितना ज्यादा हमें शेड्यूल में रहेंगे, सुबह जितने बजे उठते हैं उतने उठें, सुबह के जो काम करके उसके बाद में रिलैक्स करें, या जो भी रात को जितने बजे सोते हैं दिन में खेलते हैं, उसको बहुत ज्यादा शेड्यूल को चेंज नहीं करें कि बहुत ज्यादा रात को मूवी देख रहे हैं या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो बायोलॉजिकल क्लॉक एक ये मेंटेन करके चलते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट रहती है, और प्रेग्नेंट लेडी को जी सर, प्रेग्नेंट लेडी के लिए लगातार ये देखना है कि उसका कोई ऐसा पिक्चर शुरू में तो नहीं आ रहा, कोई ऐसी पिक्चर पहले तो शुरू नहीं हो रहे, हल्का सा खांसी जुकाम हो रहा है, तो उनको जरूर हमें कंसल्ट करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो सिंपल फ्लू के साथ साथ वो कहीं कोविड वाला वो नहीं हो, वायरस इन्फेक्शन। और डॉक्टर साहब यहाँ पर हम बहुत सी बार देखते हैं कि लोग जो है आइसोलेशन से घबरा रहे हैं, वो हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं, और वो अपनी बीमारी को इसी कारण से छुपा रहे हैं, तो उन्हें किस बात का भय है, आखिर ऐसा डॉक्टर उनके साथ क्या कर रहे हैं जिससे कि उनको इतनी घबराहट हो रही है। मेरा उन लोगों से कहना है कि इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें,
कि आपको अपने घर वालों के साथ रहने का मौका मिला है, अपनी जो कुछ हॉबीज हैं उनको आपको करने का मौका मिला है, आपको इतना बढ़िया मौका मिला है। दूसरा, ये सब चीजें किसके लिए कर रहे हैं? अल्टीमेटली हम या कोई एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सरकार, हमारे लीडर्स जो कुछ कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? आपको बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर आपको बचाएंगे तो दूसरे साइड में जो इन्फेक्शन होगा वो बचेगा, तो हमारी सोसाइटी बचेगी। अल्टीमेटली दोनों में, मतलब इसमें आप अपॉर्चुनिटी लेके पॉजिटिव डेवलप करें और इससे घबराए नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वहां भी जहां भी आपको क्वारंटीन किया जाएगा वो भी आप सोचो घर के जैसा माहौल रहेगा, वो आपकी सेहत के लिए, सोसाइटी की सेहत के लिए है। तो मेरा पर्सनल गुजारिश है कि आप लोग इसको अदरवाइज ना लें, ये सरकार को आपकी बहुत ज्यादा चिंता है, इसीलिए सरकार ये सब काम कर रही है। डॉक्टर धनंजय, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से अभी कुछ स्थानों पर हॉटस्पॉट हो चुका है, वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में जो संक्रमण जो है बढ़ रहा है, उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? एक तरफ हम भीलवाड़ा मॉडल की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं जयपुर में स्थिति बहुत भयानक हो रही है, लगातार जो है संक्रमण बढ़ रहा है और एक विशेष एरिया में ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? कि क्या हम कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी मानते हैं, कहीं ना कहीं हम पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कहीं ना कहीं गलती है, या आम जनता की कहीं ना कहीं गलती है कि वो इसको पूरी तरह से सीरियस नहीं ले पा रहा है? एक डॉक्टर के नजरिए से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना यह है कि ये जब शुरू हुआ था तो हमने जो आकलन किया कि ऐसा होना है कि इतना इतना रेशो बढ़ेगा, तो उसमें इसमें भागीदारी हमारी सोसाइटी की भी चाहिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का विजन भी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंटेशन का जज्बा भी चाहिए। तो इस बारे में मैं कहूँगा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट, हमारे सरकार पूरे तहे दिल से अच्छी तरह लगे हुए हैं, बस थोड़ी सी जो कमियां हैं या कमियां कहें या हमारे बीच का एक गैप है कि हम उनको कम्युनिकेशन गैप में, तो हम उनको समझा नहीं पा रहे कि ये सब चीजें हो रही हैं सोसाइटी में। यदि ये चीजें, यदि सोशल डिस्टेंसिंग पहले से होती तो हम इस कंडीशन में पहुंचते ही ना। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक यहाँ पर और बड़ा सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि हम लगातार डॉक्टर सारे हैं वो भी एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, सरकार भी यही कह रही है, समाज सेवी संगठन भी यही कह रहे हैं, आप और हम जैसे लोग जो हैं वो भी यही कह रहे हैं। बावजूद इसके देखने में आया कि कुछ दिनों से जो लगातार देश की सेवा में जुटे हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो पुलिसकर्मी हों, चाहे वो समाज सेवी हों, अभी पिछले 4-5 दिनों से डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी ये सर्वाधिक संक्रमण में आ रहे हैं, जबकि डॉक्टरों के पास पूरा किट है, पूरा संसाधन है, उसके बावजूद भी लगातार उनकी जो संक्रमण संख्या है वो बढ़ रही है, तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। इसके पीछे जो मेन कारण है वो ये है कि एक तो जो किट मिल रही है उसकी जो GSM, उसकी थिकनेस है, उसकी कितना प्रोडक्शन है, एक तो उसका उसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो फिक्स होना चाहिए कि कौन से किट मिल रहे हैं। हम सिर्फ एक सर्जिकल मास्क लगा के ये सोच के चले कि हम किसी पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे हैं, वेंटिलेटर पर डाल रहे हैं, लगातार सक्शन कर रहे हैं, ड्रॉपलेट कर, उस माहौल में काम कर रहे हैं जहां पे वायरस की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये सिंपल कैसे नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरा है कि हम जो काम कर रहे हैं उनको अपनी आदतें डेवलप चेंज करनी है, उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी है। यदि किट है, केवल किट से भी सब कुछ रुकने वाला नहीं है, यदि हमारे बार बार हाथ नहीं लगाएं या हम हर बार इस तरह का रखें कि हम हाथ को पीछे करके रखें काम नहीं आ रहे तो, या हम बहुत ज्यादा आपस में जो बात करें या कम्युनिकेशन करें तो बहुत पास जाके कम्युनिकेट ना करें आपस में, डॉक्टर्स जब बात करते हैं या पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं हमारे जो पेरिफेरी पे काम कर रहे हैं पूरे मन से लगे हुए हैं, उनको भी हमें ये बताना है कि थोड़ा सा डिस्टेंस में काम करें। जब भी किसी पर्सन से बात करनी हो सोसाइटी में तो उनको रादर देन पास से पास आने के बजाय उनको माइक से बात करें, उनको माइक से समझाएं, दूर से समझाएं, तो ये कॉमन सी चीज है। और दूसरा ये है कि वो जैसे पेरिफेरी पे जब निकलते हैं पुलिस ऑफिसर हमारे, तो उनको कैप हैं और पूरे कपड़े में हैं, जो कपड़े फिर वापस घर जाके और चेंज कर पाए। जी पूरी तरह से इसमें जो है सावधानी हमको रखनी है, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे पुलिसकर्मी हों, चाहे जो रात दिन देश की सेवा में, समाज सेवा में जो लगे हुए हैं, उनको भी पूरी तरह से एहतियात रखना पड़ेगा कि ये संक्रमण उनको नहीं लगे। अगर उनमें ज्यादा ये संक्रमण होगा
तो देश जो है वो बड़े संकट में आ सकता है। यहाँ पर मैं डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगा, जो लोगों के जहन में बार बार आता है कि इसकी कोविड 19 की जो जांच होती है उस जांच की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह जांच की जाती है, कितने स्टेप में इसकी जांच की जाती है? यस, इसमें क्या होता है कि वायरल जब इन्फेक्शन होता है ना, तो वो वायरल इन्फेक्शन, एक तो हम वायरस के जीन की जांच करते हैं, उसकी जेनेटिक्स की जांच करते हैं, तो वो तो पीसीआर होता है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें से 2 से 3 दिन लगते हैं। वो एक फूल प्रूफ सिस्टम होता है जिससे हमें पता लगता है कि इस वायरस में ये वाले जीन्स हैं, ये वाले जेनेटिक जीनों में, तो इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है ये वायरस है। एक दूसरा, ये तो होता है पीसीआर जो बेस होती है, दूसरा होता है रैपिड टेस्ट। रैपिड टेस्ट का मतलब होता है कि वायरस जब अंदर बॉडी में जाता है तो बॉडी की रिएक्शन होती है, वो अपने एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, तो वो एंटीबॉडी जो शुरू के 24-48 घंटे में बनती है, एक फिर बाद में बनती है, तो जो पहले वाली बनती है वो IgM होती है, उसकी हम जांच इसके रैपिड किट में करते हैं। लेकिन अभी जो देखने में आया है कि इसकी रैपिड की और PCR की दोनों की चीजें मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब हमारे जो किट वाला है रैपिड टेस्ट है उसके IgM को डिटेक्शन करने में वो एक कोई खामियां है, तो ये है इसका तरीका। तो उन खामियों को दूर, क्योंकि सरकार ने भी रैपिड टेस्ट बंद कर दिया जहां तक मेरी जानकारी, अभी मैं कुछ दिन पहले ही देख रहा था, तो अब जांच कम हो जाएगी, और जांच अगर कम होगी तो मरीज भी कम आएंगे, लेकिन वो मरीज का जो संक्रमण है वो लगातार फैलेगा, तो वो तो समाज के लिए बहुत घातक हो सकता है, तो उसके लिए हमको क्या प्रयास करने चाहिए? देखो सारी चीजें वहीं जाके आती है कि सिर्फ जांच, देखो हमारी जो कंट्री है वो इस तरह का नहीं है, हमारे रिसोर्सेज इतने कम है, हमें रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए सारे काम करने हैं, हर चीज हमें सरकार के ऊपर नहीं थोपनी है, हर चीज हमें फाइनेंस से नहीं चलानी है। यदि मानो जांच हो भी जाती है और जांच नहीं भी होती है तो भी अल्टीमेटली आंसर क्या है, अल्टीमेटली आंसर है सोशल डिस्टेंसिंग, अवेयरनेस और अर्ली कंसल्टेशन। मतलब ये है कि आप जब तक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे तो जांच का भी कोई फायदा नहीं है। आप ये मान के चलो कि सोसाइटी में 5,000 की जगह 50,000 इन्फेक्टेड लोग घूम रहे हैं, फिर भी आंसर उसका वही है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और खांसी जुकाम या कोई सिम्टम आता है तो हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका इलाज करना चाहिए, और फिर जैसा लगता है कि सिम्टम बढ़ते जाते हैं तो हमें PCR टेस्ट करके, जो कंफर्मेटरी टेस्ट है उस टेस्ट को करके हमें फिर उनको साथ साथ उनकी फैमिली और उनके आपस में कॉन्टेक्ट वाले लोगों को सेपरेट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर एक चीज और देखने में आई है, क्योंकि आज हम सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, सारी चीजें जो WHO की गाइडलाइन हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन हो, चाहे सरकार की गाइडलाइन हो, हम सभी उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर ये संक्रमण होता है, और अगर ये देखें कि जो हॉस्पिटल में किट है या जो जांच करने का कि लैब का जो तरीका है उसमें जो टेक्निकल चीजें हैं वो सही नहीं पाई गई हैं, क्योंकि बहुत सी अभी चाइना से भी जो किट हैं वो भी खराब पाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो जो इसको खरीदारी कर रही है, जो परचेज कर रही है, क्या उनको पूरी तरह से इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो इस तरह के किट को नहीं खरीदें, या इस तरह की जो लैब है उसमें जांच सही तरीके से हो, ये जिम्मेदारी तो किसी की होनी चाहिए ना? दीपक जी आपकी बात बिल्कुल सही है, सरकार के साथ में पूरी एक एक्सपर्ट टीम होती है, वायरोलॉजिस्ट होते हैं, ICMR की पूरी टीम है जो इसको पहले प्रूव करती है, तब जाके उसको एक्वायर करते हैं उसको। लेकिन फिर भी इतनी कमी आ जाती है तो कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी तो बनती है सर। नहीं मैं बताऊं, इसमें जिम्मेदारी का बात नहीं है, इतना शॉर्ट पीरियड में इतना फास्ट पेंडेमिक हो रहा है, तो कोई भी चीजें आ रही हैं, गाइडलाइंस आ रही है या कोई भी क्वालिटी कंट्रोल है, वो इतने कम समय में कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल काम है। अभी तो जो हमें जहां पे लगता है, जैसे आग लगी है तो जहां लगता है हम पानी फेंको, रेत फेंको, तो उस तरह का गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो जितनी जल्दी वो जो हो सके, तो इसकी क्वालिटी कंट्रोल में थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन जब भी ये डिटेक्ट हो गया तो भी चेंज करेंगे। निश्चित तौर पर आपका कहना सही है। यहाँ पर मेरा एक सवाल, क्योंकि पत्रकारिता से जुड़े हैं और सवाल जो है वो आपसे करना भी वाजिब बनता है, कि जिस तरह से चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या दूसरे WHO के लोग हों या आप जैसे डॉक्टर्स हों, उनका लगातार ये कहना है कि हमको जहां पर हैं वहीं पर ही रहना चाहिए,
लेकिन उसके बावजूद हमने कई जगह पर देखा है, मुंबई में भी देखा, हमने दिल्ली में भी देखा है, हमने तमिलनाडु में भी देखा है, और हमने जयपुर में भी विशेष रूप से देखा है कि जिस तरह रामगंज में जो मरीज थे उन बहुत से मरीजों को जयपुर के अलग अलग एरियाज में शिफ्ट कर दिया गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि वहीं पर रामगंज के अंदर ही इलाके में वहीं पर क्वारंटाइन बना के उनको वहां रखना चाहिए था, जिससे कि पूरे जयपुर शहर में अलग अलग जगह जो है ना भेजकर, क्योंकि इससे संक्रमण बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या सरकार को सलाह देना चाहेंगे, आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, इनिशियल फेज में जो एक्शन थी गवर्नमेंट की, एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट मैं बोलूं, एपिडेमियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें जब जो कम लोग होते हैं उनको वहां से हटा के और ऐसी जगह यहां पे अलग से क्वारंटीन किया जा सके। लेकिन अब वो स्टेज चेंज हो गई है, अब नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट बढ़ गए, तो हमें जहां है वहीं क्वारंटीन करना पड़ेगा। सो दो डिफरेंट एपिडेमियोलॉजी है, वो एक्शन बिल्कुल ठीक थी, अभी एक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो गई। तो ये है, पहले उन्होंने अपने हिसाब से कम पेशेंट मानते हुए उनको शिफ्ट किया दूसरी जगह, लेकिन ये नहीं है कि वहां जाने के बाद वो उन्होंने दूसरी जगह फैलाया, क्योंकि क्वारंटीन में रह के दूसरी जगह नहीं फैलाया। लेकिन यहाँ पे जितना हमारा आकलन था कि 10 पेशेंट होंगे, 20 पेशेंट होंगे, वो हमारा हो सकता है, क्योंकि टेस्ट नहीं होने की वजह से आकलन गलत हो सकता है कि 10 पेशेंट की जगह वो 100 पेशेंट हों। हम 10 पेशेंट को लेके तो क्वारंटीन में चले गए, लेकिन रिमेनिंग जो 80 पेशेंट बच गए उन्होंने वो फैल गया, मतलब उसमें। तो वो एपिडेमियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफरेंट था, अब एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से या एक्सपर्ट की तरफ से थोड़ी डिफरेंट है। निश्चित तौर पर हम उम्मीद करेंगे कि सरकार ऐसे एक्शन ले कि संक्रमण जो है ज्यादा न फैले, कम से कम रहे, और वहीं पर उसको डिटेक्ट करके वहीं पर उसका इलाज किया जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए। एक और चीज मेरी नजर में लगातार आ रही है कि जो देश की सेवा कर रहे हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर, जैसे डॉक्टर हैं, पत्रकार हैं, पुलिसकर्मी हैं, और लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत सी जगह जो मरीज हैं या जो दूसरे लोग हैं वो डॉक्टरों पर ही पथराव कर रहे हैं, वो पुलिस कर्मियों पर पथराव कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर को भी एक भगवान का रूप माना गया है, और उनके ऊपर जो ट्रीटमेंट आपके जीवन की रक्षा कर रहा है, उनके ऊपर अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे, अगर आप उनको पत्थर मारेंगे, अगर आप उनके गाली गलौज करेंगे, अगर आप उनके ऊपर थूकेंगे, अगर आप उनके ऊपर कुल्ला करेंगे, उनके ऊपर सौंच करेंगे, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप कि वो अपनी हरकतों से कैसे बाज आए, या सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए? मेरा उन लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो जी सोसाइटी को टैग नहीं कर सकते कि ये सोसाइटी खराब है या ये सोसाइटी ठीक है, या यहाँ का आदमी ठीक है, यहाँ का आदमी ठीक नहीं है। नहीं, हम किसी भी सोसाइटी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन लोगों पर टारगेट कर रहे हैं जो डॉक्टरों के ऊपर पथराव कर रहे हैं, जो पुलिस कर्मियों पर पथराव कर रहे हैं। तो मेरा मानना उनको यह है कि दोनों तरफ से हमारा जो सबसे बड़ा गैप कम्युनिकेशन गैप है, वो कम्युनिकेशन गैप को फिल करें, उनको समझाइश करें, और समझाइश के साथ साथ हमें जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े कि उनको ये भी पता होना चाहिए कि हम समझा रहे हैं, हमारा तरफ से हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं हम आपके भले के लिए कर रहे हैं, फिर भी यदि वो नहीं समझ पा रहे तो हमारे सरकार के पास पूरा ओपननेस होनी चाहिए, पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी हद तक जाके और उनको ये समझाने को और समझने को मजबूर कर दे। जी डॉक्टर साहब, एक चलते चलते एक छोटा सवाल और है, वो ये सवाल है कि जैसे मान लीजिए मैं घर पर बैठा हूँ, या हमारे परिवार के लोग घर पर बैठे हैं, आपके परिवार के लोग घर पर बैठे हैं, और अगर हमने कुछ खा लिया तो उससे कई बार गला भी खराब हो जाता है, या छोटे मोटे कोई जुकाम है या खांसी है वो हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए कि वो घर में किस तरह का ट्रीटमेंट करें, या अपने डॉक्टर से कैसे सलाह लें, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपका बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, डे बाय डे लास्ट होने पे आया हमारे को क्वारंटीन में, और करीब करीब हमारे पास चार पांच लोगों के फोन जरूर आते हैं, डॉक्टर साहब आज गला खराब हो गया, गला खराब होते हैं उनको लगता है कि कहीं हम उसमें तो नहीं आ गए, तो पैदा हो जाती है। तो उसमें ऐसा चिंता की बात नहीं है, जो मैंने शुरू में बताया था कि शुरू के जो सिम्टम होते हैं वो हल्के खांसी जुकाम और ये चेंज ऑफ वेदर की वजह से, सीजनल वेदर की वजह से भी होते हैं, तो हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है उसको चिंता नहीं करनी है। उसके जैसे पानी ज्यादा
या कोई चाय बार बार पीते रहना है, तो एटलीस्ट उसका ये नहीं है कि कोई ऐसी स्टडी है, लेकिन ये अब कॉमन सेंस की बात है कि यह गले के अंदर वायरस रखा हुआ है, बैठा हुआ है जी, तो यदि चाय पियेंगे तो उसका इनोकुलम जो लोड है वो तो कम होगा ही होगा, और जब स्टमक में जाएगा तो वो डैमेज होगा एसिडिटी से। तो ये हमारा मानना है कि भाई इसको थोड़ा और एक पानी खूब पीते रहे, तो ये सारी चीजें करेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। या एक बार ज्यादा लगता है तो छोटी सी कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह से। सबसे अच्छी बात यह है सोसाइटी में कि अभी टेली कंसल्टेशन से ज्यादातर डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कभी भी कुछ लगता है तो हम हमेशा तैयार हैं, 24 आवर आपको कंसल्टेशन में तैयार है, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग और चैट के थ्रू जैसा, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। तो इस तरह से यदि कोई चीज है और फिर भी लगता है कि भाई डॉक्टर की टेली कंसल्टेशन के बाद में भी कोई चीज ऐसी आती है, तो हम उनको सलाह देते हैं कि नियर बाय जहां भी डॉक्टर है उनको दिखाएं और उसके बाद उसका प्रॉपर इलाज हो। एक सवाल और जनरल सवाल है डॉक्टर साहब, जो आम लोगों का सवाल है कि जैसे बहुत आवश्यक तो होती है तब व्यक्ति घर से बाहर जाता है, वैसे तो कोई जा नहीं रहा, लेकिन आप जैसे डॉक्टर हैं, हमारे जैसे पत्रकार हैं, पुलिसकर्मी हैं, और इन सबको जब अपनी ड्यूटी के बाद घर आना होता है तो वो सबसे पहले किन चीजों का ख्याल रखें, या कोई आवश्यक वस्तु के लिए कोई भी सामान्य व्यक्ति घर से बाहर जाता है और वो 2-3 घंटे के बाद जब घर लौट कर आता है तो उसे मुख्य रूप से किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मैंने आपको शुरू में इस टॉक में बताया था कि हमारे पुराने जो कल्चर वैल्यू है उनको फॉलो करो। जब बाहर जाएं तो पूरे कपड़े ओढ़ के, मुंह पे गमछा लगा के, मास्क लगा के, या जैसे जैन धर्म में मुफती लगाते हैं उस तरह का लगा के, ये सारी चीजें जाएं और कोशिश करें कि वहां हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को टच ना करें, कोई ऐसी चीजों को, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, पहली चीज तो ये। दूसरा, जब अपन वापस आते हैं तो जो हम कपड़े पहन के गए उनको हम उतारें और हाथों पैर बाहर ही धोएं, कपड़े चेंज करें, और पॉसिबल है तो नियर बाय अपन नहाए या उसको अच्छी तरह वॉश करें, मुंह धोएं, ये सारे करके, और ये सब करने के बाद घर में भी इतना कॉमन नहीं कि भाई थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग रखें आपस में खाने को, आपस में झूठा खाना वो नहीं करें, आपस में शेयर ना करें, और बाकी तो ये सारी चीजें। City Live, a platform to sharing your thoughts.